राजगढ़ जिले को राजधानी भोपाल से जोड़ने वाला पार्वती नदी का घोघरा घाट पुल बारिश के कारण पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दशकों पुराने बने रपटे से राहगीर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी घटना घटने का अंदेशा है। दरअसल राजगढ़ जिले को गुना जिले से जोड़ने के लिए पार्वती नदी पर सेतु निगम का एक बड़ा पुल निर्माण भी चल रहा है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि 3 साल गुजर जाने के बाद अभी तक 50% भी काम पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि पास में ही दशकों पुराने रपटे से निकलने को लोग मजबूर हैं। बारिश के कारण जर्जर स्थिति होने से इस नदी पर कई घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले 3 सालों की यदि बात करें तो 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत पार्वती नदी के इस रास्ते पर हो चुकी है। यार, मैं अभी खड़ा हूँ पार्वती नदी के घोघरा घाट पुल पर, और ये जो पुल है ये राजगढ़ जिले और गुना जिले को जोड़ता है, और ये राजगढ़ जिले का अंतिम कोना है। साथ ही ये जो रोड है ये राजधानी भोपाल को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो स्थिति है अभी ये आप देख सकते हैं, ये जो बहुत पुराना एक रफ्ता यहाँ पर बना हुआ है, लोग उससे निकलने को मजबूर है। साथ ही करोड़ों की लागत से सेतु निगम का एक ब्रिज बन रहा है, लेकिन 3 साल होने के बाद भी इसका काम अभी भी गति नहीं ले पाया है। कई बार इसकी शिकायतें स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी की है, लेकिन अभी भी उसकी गति बिल्कुल कछुए की तरह चल रही है। सेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस गति को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन के ध्यान में भी ये मामला पूरी तरह से है, लेकिन नेता लोग भी है ना, कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। पार्वती नदी बहुत गहरी है, सब बहुत लोग मर चुके हैं। यहाँ पर बहुत समस्या आ रही है इसमें निकलने में, आने जाने में बहुत समस्या आ रही है। एक कभी कुछ हादसा भी हुआ था, ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। नेता आते हैं, देखते चले जाते हैं, और बहुत ज्यादा समस्या आ रही है आने जाने। उधर जब इस बारे में बीजेपी जिला अध्यक्ष से बात की गई, तो उन्होंने पुल बनाने का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा कर दिया। आप खुद ही सुनिए, राजगढ़ से सुनील सारस्वत की रिपोर्ट। से काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, और बीच में अभी 18 माह से तो कोरोना की बीमारी के कारण सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। वापस अधिकारियों से बात करके, शासन प्रशासन से मांग करते हुए ये काम बहुत जल्दी पूर्ण हो, इसका हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इधर से आने वाले दोनों तरफ से हमारे जिले के लोग, राजगढ़ जिले के लोग और इधर गुना जिले के लोग, दोनों जिलों के लिए बहुत असुविधा का ये स्थान बना हुआ है। लोगों की समस्याएं दूर हो इसके लिए हम प्रयास करके इसको शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयत्न करेंगे। मौतें होती है, हादसे होते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ पर एक सवारी वाहन तूफान जो है इस ओर पार्वती नदी में गिर गया था, जिसमें 6 लोगों को पुलिस की सहायता से निकाला गया था। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन वो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अभी पिछले दिनों एक युवक की यहाँ पर डूबने से मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से राजधानी भोपाल मात्र 100 किलोमीटर है, और राजधानी को जोड़ने वाला ये है, काफी व्यस्तम ये है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है पूरा कट चुका है, और इस पर प्रशासनिक लोकल स्थानीय SDM कलेक्टर और जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हैं, वो इस वक्त कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।